मनगवा में छेड़छाड़ के दौरान आरोपी ने चिमनी का तेल डालकर लगाया लड़की के ऊपर आग। जी हां, खबर रिवा की है, जहां जिले के मनगवा में छेड़छाड़ के दौरान आरोपी ने चिमनी से लड़की के ऊपर आग लगा दी। गंभीर हालत में लड़की को रिवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, फेसबुक से दोस्ती करके युवक पहुंचा था युवती से मिलने। रात्रि में उसके गांव मनगवा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला आया है। फेसबुक से परिचय बनाकर मनगवा पहुंचा था युवक। युवती को रात्रि में घर से 100 फीट दूरी पर बुलाकर युवती के साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। जब युवती ने मना किया तो आरोपी युवक ने युवती के ऊपर चिमनी से मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी है, जिसके बाद युवती की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और युवती को गंभीर हालत में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। हाँ, एक दूसरे से परिचित थे, बातचीत होती थी, और ये मनगवा में 1 तारीख के आसपास की बात है, जानकारी मिली 1 तारीख की रात में करीब 2:30 बजे के आसपास की बात है। वो लड़के ने फ़ोन किया था लड़की को, उसके बाद लड़की उसके अपने घर से करीब 100 फीट के आसपास डिस्टेंस वहाँ मिलने गई थी उससे। उसने अपने बारे में बताया, उसके बाद वो बताया कोई बातचीत हुई तो वो छेड़छाड़ करने लगा, और उसके बाद उसका चिमनी लिए हुए थे, उसका कहना उस चिमनी को तेल डाल दिया और आग लगा दी। उसके बाद वो उसी लड़के के द्वारा उस लड़की को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। लड़के के हाथों में उंगलियां वगैरह भी जली हुई थी। उसके बाद लड़के का वही वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, लड़की भर्ती थी। परिजनों को पता लगा तो परिजन जब पहुँचे तो लड़का वहाँ से चला गया था। इसके बाद रिपोर्ट एक दिन नहीं हुई, परिजनों ने कोई खबर नहीं की थी। 3 तारीख को परिजनों की रिपोर्ट पर से पुलिस ने 307 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आरोपी आरोपी प्राथमिक उपचार करा के यहाँ भर्ती कराया था उसने।